आज हम ना एक गरीब की फरियाद पे इस जगह पे खड़े हैं। मैं मियां ताहिर फीक चेयरमैन अंजमन ताजरा और सदर अंजमन ताजरा शक्तर महमूद छीना साहब ने ये हेल्थ काउंसिल के डीएचपी का मेम्बर है, मैं भी हेल्थ काउंसिल का मेम्बर हूँ। और ये एक गरीब आदमी है, इसकी ये बीवी है, इसका ना हरनियों का ऑपरेशन था। इनका पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने इनका सेहत कार्ड बनाया हुआ है। सेहत कार्ड का मतलब है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं और जाके आप लोग इसको दिखाएं और आपकी तमाम टोटल ट्रीटमेंट फ्री होगी। इस वजह से ये लोग इस जगह पे आए। ये जोरा नवाज हॉस्पिटल है जिसको गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि ये सेहत कार्ड को आपके सहूलत इधर फराहम करें। अब आप देख सकते हैं कि पीछे जो हॉस्पिटल है आया कि जितना कितना कम्पिटेंट है, इसका आया कि ये इस काबिल भी है कि यहाँ अपना ऑपरेशन थिएटर मौजूद हो और ऑपरेशन हो सके। इसकी मेरा तो ख्याल ये भी है कि इसकी एसओपी भी पूरी नहीं है इस हॉस्पिटल की जो ये चल रहा है। ये प्राइवेट भी इधर ऑपरेशन होते हैं और इसका जो बच्चा बच्चा के ऑपरेशन वो भी इधर हो रहे हैं। और यही बदकिस्मती है हमारी कि ये छोटे छोटे पल्लों में जो हॉस्पिटल है इन पे हमारे अपने हमारे बहन भाई लोग बच्चे वो मर रहे हैं। तो मैं ये ताई डॉक्टर सारे लोग इधर हैं, मैं सिर्फ इस बात को आज हाईलाइट करना चाहता हूँ। और मेरी ये अहकामे बाला से अपील है, खुदा के लिए अपनी आंखें खोले, अपने घरों से बाहर निकले, अपने दफ्तरों से बाहर निकले, इस तरह से हॉस्पिटलों को देखे आया कि यहाँ इंसान की ट्रीटमेंट हो सकती है कि नहीं। अब ये केस ये है कि इनका जो इस बीबी को 15 दिन पहले ये इधर आई है, इन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन करना है, हरनियों का ऑपरेशन था, उन्होंने इनको चक्कर लगवाए पहले का, आप अपने टेस्ट करवाएं। इन्होंने ये प्राइवेट तौर पे जाके अपने टेस्ट करवाए, 1500 रुपया बकौल इनके खर्चा आया। उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा ये आए, कुछ दिन के 2 दिन के बाद का टाइम दिया, फिर उन्होंने कहा कि आप ECG करवा के लाएं, एक्सरा करवा के लाएं, ये फिर 2500-3000 रुपया इन्होंने खर्च किया। फिर ये इन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवा के लाएं, फिर ये फैसलाबाद से जाके अल्ट्रासाउंड करवा के लाए हैं, तमाम टोटल टेस्ट ये बाहर से करवा के लाए हैं। इनका इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 10 से 15 हजार रुपया खर्चा भी आ गया। और आज ये हुआ कि आज इनको टाइम दिया हुआ था ऑपरेशन का 2 बजे का, ये सुबह 10 बजे से इधर खड़े बैठे हुए हैं। इनकी तमाम जरूरी रिपोर्टें इन्होंने देख ली है डॉक्टर साहब ने। अब जब डॉक्टर साहब फैसलाबाद से ऑपरेशन करने के लिए आए हैं तो 2 बजे के करीब जब टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि आप खून 2 बोतलों खून का अरेंज करें। ये बंदे भाग के 2 बोतलें खून का अरेंज भी कर रहे हैं, उसकी क्रॉस मैचिंग के लिए या उसकी थैलियों के लिए इन्होंने 700 रुपया फिर पे कर दिया। उसके बाद जब डॉक्टर साहब ने दूसरे ऑपरेशन जो प्राइवेट तौर पे करने थे वो उन्होंने किए, जब डॉक्टर साहब थक गए हैं उन्होंने इनको कहा कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपका ऑपरेशन हम 5 दिन बाद फिर करेंगे। इन्होंने कहा आप हमें वजह बता दें। उन्होंने इस बीबी को कहा कि तुम खांसी करो, इसने कहा मुझे खांसी नहीं आती, लेकिन उन्होंने कहा तुम फिर भी खांसी करो। जब इसने खांसी की तो कहा कि तुम्हें तो अपना गला खराब है, इस पोजिशन में तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे, ये 2 टैबलेट लिख दी है कि आप ये 2 टैबलेट खाएं 2-3 दिन के लिए, फिर 5 दिन के बाद आपका ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर साहब इनको बाहर छोड़ के चले गए। फिर इन्होंने मुतालबा किया कि हमारा जो खून हमने तो आपको 2 बोतलें दी हैं, बराए मेहरबानी वो हमारा खून ही वापस कर दें। तो इन्होंने कहा कि आप 700 रुपया हमें और दें, इसकी 1500 रुपया दें और 1500 रुपये की क्रॉस मैचिंग के पैसे दे के अपन खून की बोतलें ले जाएं। अब मेरा सवाल ये है, अपना हुकूमते पाकिस्तान से, हुकूमते पंजाब से, जिन्होंने ये अपना कार्ड सेहत इशू किया है, आया कि इस कार्ड पे अगर लोगों ने इस तरह ही जलील होना है तो खुदा के लिए ये कार्ड आप वापस ले लें। ये लोगों को धोखा दे ही है, इनका 15 से 20 हजार रुपया भी लग गया और इनका ऑपरेशन भी नहीं हुआ। इससे बेहतर है कि आप लोग ये THQ इधर है सरकारी हॉस्पिटल में ये सारी सहूलतें दें जहां लोगों को ये गरीब आदमी मुस्तफीद हो सके। अगर हमारा इधर सांगला हिल में ही सर्जन हो तो अल्लाह के फजल से इधर ही सारे ऑपरेशन हो जाए, ये लोग दर बदर ना फिरे। अब मेरी बड़ी दुखाना अपील है, दुख भरी जुबान से अपील है कि यहाँ DDOH भी बैठते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी बैठते हैं, मेरी उनसे अपील है कि खुदा के लिए अपनी टीम के साथ आके इस हॉस्पिटल को चेक करें, आया कि ये इस काबिल भी है कि यहाँ ऑपरेशन किया जा सकता है। बस मैं तो अपनी आवाज बुलंद ही करूंगा किसी गरीब आदमी के लिए, खुदा के लिए इनकी फरियाद सुने। ये लोग रुल रहे हैं, जलील हो रहे हैं, मर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम।